हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सो आई एम योर मैथ्स मेंटर प्रबल लवानिया। वेलकम टू एमबाई अचीव बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इफेक्टिव स्टडी प्लान फॉर बैंकिंग एग्जाम्स 2024। 2024 में आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी एग्जाम के लिए इफेक्टिव आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, बेस्ट स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ते हुए चलना है, कैसे क्या क्या प्रिपेयर करना है, कौन से वीक में कितना पढ़ना है, उन सभी चीजों पे हम लोग डिस्कशन करने वाले राइट। अगर आप स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो कर पाते हो जो मैं बता रहा हूँ, लिटरली आपका टाइम टू टाइम सारी चीजें रिवाइज भी होंगी और एक प्रॉपर टाइम पे आप अपना सिलेबस भी खत्म कर पाओगे और रिवाइज भी कर पाओगे, मॉक टेस्ट भी दे पाओगे राइट। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमने पूरा का पूरा स्टडी प्लान है ना, ये 14 वीक में डिवाइड करा, मतलब लगभग आप मान के चल सकते हैं 14 × 7 = 98 डेज, लगभग 90 से 100 दिन की हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए, अगर हम राइट नाउ करेंट सिचुएशन की बात करें तो 1 महीना हमारे एग्जाम में है आरआरबी के, बट अगर हम क्लर्क की बात करें आईबीपीएस क्लर्क के लिए, तो आप आईबीपीएस क्लर्क के लिए, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ के लिए इस स्टडी प्लान को फॉलो डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ है क्या। पहले वीक में आपको मैथ्स में अपनी कैलकुलेशन स्पीड स्क्वेयर्स 30 तक, एटलीस्ट 30 तक आपको याद करने हैं। अगर आपको लगता है कि सर 30 तक तो मैंने एक वीक से पहले ही कर लिए एक दो दिन में ही, तो आप इस चीज को अपने एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हो। रीजनिंग में आप जाओगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के साथ, इंग्लिश में आप नाउन और प्रोनाउन और जी, और बैंकिंग में हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, टेबल इसके बाद 20 तक याद करनी है, क्यूब और मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स, रीजनिंग में डायरेक्शन डिस्टेंस टेंस और इंग्लिश में टेंस और जीए, और बैंकिंग में आपको टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। सेम वीक 3 में आप जाओगे क्वांटिटेटिव, ये इसीलिए हम लोग शुरुआत में खत्म कर रहे हैं क्योंकि ये वाला पार्ट आपके एग्जाम में 10 से 15 नंबर और क्लर्क के एग्जाम में लगभग 15 से 20 नंबर तक का होता है, तो इसको शुरुआत में ही हम लोग फिनिश आउट करेंगे। फिर क्वाड्रेटिक मैथ्स में, ठीक है, क्वाड्रेटिक हुआ, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हुआ, और इनइक्वालिटी रीजनिंग में। इंग्लिश में बात करें तो एडजेक्टिव, और जीए में बात करें तो बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया। सेम अगर हम क्वांट की बात करें 4th वीक में, तो नंबर सीरीज, परसेंटेज, फ्रैक्शन, कन्वर्जन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है, वो साइड में आ गया, बट वो पार्ट आपका क्वांट का ही है। एडवर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टाइप्स ऑफ चेक। इसके बाद एवरेज और परसेंटेज आपको क्वांट में पढ़ना है वीक 5 में, रीजनिंग में सिलॉक्स, इंग्लिश में पैराजम्बल, ठीक है। इसके बाद वीक 6 में आ जाए रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर और क्यूब रिवाइज करने हैं, जैसे एक रिवीजन प्रॉपर चलता रहे। वैसे तो आपको डेली बेसिस पे ही रिवाइज करने हैं, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लीकेशन, शॉर्ट ट्रिक, 20 से 25 मिनट का टाइम देके, ठीक है। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, इंग्लिश में एरर स्पॉटिंग, और जीए में आपका मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। इसके बाद जब आप 7th वीक में जाओगे तो मेंसुरेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रैंकिंग, ये लेके चलोगे, और इंग्लिश में आपका रहेगा यहाँ पे एरर स्पॉटिंग, वो सॉरी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। सेम अगर हम बात करते हैं 8th वीक की, तो ये रहेगा प्रोबेबिलिटी, रीजनिंग रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट, और एरर स्पॉटिंग आपके इंग्लिश में। इसके साथ साथ में आपकी जो क्लासेज है यूट्यूब पे और जो आपके बैचेज है वो तो चलेंगे, बट आपको ये पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, इसको भी फॉलो करते हुए चलना है। 9th वीक में आप प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। अब देखो, वीक की अगर हम बात कर रहे हैं ना, जैसे हमने वीक की बात करी, तो लगभग 5 से 6 दिन आप कंसिडर करो और 1 दिन पुराना रिवाइज करने के लिए रखो, तो 5-6 दिन तक आपको ये प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के कम से कम, या फिर जो भी चैप्टर आप लेके चल रहे हो जिस वीक में, उस वीक के कम से कम हर चैप्टर के लगभग 200 से 250 क्वेश्चन आपको निपटाने पड़ेंगे। ये नहीं है कि एक हफ्ते में सिर्फ 20 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज के कर दिए या डिस्काउंट के कर दिए, बोल दिया वो चैप्टर खत्म हो गया। नहीं, जो हम वीक लेके चल रहे हैं इसका मतलब वी आर टेकिंग एटलीस्ट 150 to 200 क्वेश्चन, देन हम लोग चैप्टर को मान के चलेंगे कि हाँ ये चैप्टर मेरे को क्लियर हुआ है। रीजनिंग में फ्लोर पजल और एस रीडिंग कंप्रिहेंशन आपका इंग्लिश में,
पार्टनरशिप टाइम एंड वर्क वीक 10 में, क्वांट में मिक्सचर एलिगेशन वीक 11, वीक 12 में SICI, वीक 13 में TSD, वीक 14 में एवरेज रेशियो प्रोपोर्शन। सेम रीजनिंग में बात करें, कोडिंग डिकोडिंग सेंटेंस रीअरेंजमेंट सॉरी सिटिंग अरेंजमेंट इनपुट आउटपुट ऑर्डर एंड रैंकिंग मेंसुरेशन ब्लड रिलेशन सिटिंग अरेंजमेंट इनइक्वालिटी, ये आपका रीजनिंग में। इंग्लिश में RC हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, क्लोज टेस्ट और एरर स्पॉटिंग, ठीक है, और मैच द कॉलम, ये भी इसी का पार्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेके चलनी है आपके 14 वीक का जो आपका शेड्यूल है, ये आपको इस तरीके से फॉलो करते हुए चलना है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप नए हैं या फिर आपका टारगेट IBPS क्लर्क, IBPS PO, SBI क्लर्क, SBI PO है, तो आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड स्टार्ट फॉलोइंग इट। इसके बाद अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वाइज, तो इंग्लिश की अगर बात करें, द इंग्लिश सेक्शन हैज चेंज्ड अ लॉट रिसेंटली, सो डोंट इग्नोर इट। जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि हर बार जितने एग्जाम होते हैं उसमें कुछ ना कुछ नया नया देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए आप रेनिन मार्टिन बुक है, जहाँ से आप ग्रामर के रूल्स देख सकते हो, एग्जाम्पल्स के साथ आप चीज़ें समझ सकते हो, बट उनको रटने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके सेशंस होते हैं यूट्यूब पे सुबह के टाइम, उन सेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। इंग्लिश आर्टिकल्स को डेली पढ़िए, नए नए वर्ड्स लिखिए और उनको रिवाइज करते रहिए रेगुलरली। फोकस ऑन द क्लोज टेस्ट, क्योंकि ये जो क्लोज टेस्ट है और आपके जो RC वाला पार्ट है उसमें क्वेश्चंस आपके ज़्यादा आते हैं, और उसमें कई बार ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, सिनोनिम एंटोनिम इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो फोकस आपका रहना चाहिए क्लोज टेस्ट, फिलर, सेंटेंस करेक्शन, स्पॉटिंग एरर चैप्टर्स पे। विद कंसिस्टेंस एफर्ट यू कैन स्कोर अराउंड 25 इन दिस सेक्शन, मतलब आउट ऑफ 30 आप अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करते, प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं, वोकेबलरी अच्छी कर लेते हैं, ग्रामर अच्छी कर लेते हैं, RC वाला पार्ट डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आराम से आप 24 से 25 नंबर लेके आ सकते हैं सेक्शन में। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग वाले सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका पजल, क्योंकि कम से कम 2 से 3 पजल और 1 या 2 सेंटेंस, 1 या 2 आपके सेटिंग अरेंजमेंट आपको देखने को मिलते हैं। ये सेक्शन ईजी है बट इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपको क्वेश्चन देख के लगेगा ईजी है बट जब आप बनाने बैठोगे तो कई बार होगा 2 केस 3 केस भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट में बनाने पड़ सकते हैं, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं ओवरकम करने के लिए या फिर वो जो ज़्यादा केसेस बनाने वाली आदत है वो थोड़ा सा कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। फोकस आपका होगा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे एंड इसी के साथ सिलॉग्स, क्योंकि इसके 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के लगभग 5 क्वेश्चन, ऑर्डर रैंकिंग के 2 से 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन डिस्टेंस और ब्लड रिलेशन, ये चैप्टर्स आपको एक्स्ट्रा और देखने को मिलते हैं आफ्टर द सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। इस सेक्शन को आप मास्टर कर सकते हो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ के और मैक्सिमम प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। क्वांट की बात करें तो कम से कम स्क्वायर आपको मिनिमम 40 और मैक्सिमम बात करें तो 60 तक आपको याद होने चाहिए। क्यूब की बात करें तो मिनिमम 20 तक, मैक्सिमम 30 तक। टेबल मिनिमम 30 तक, बाकी 30 तक भी याद है या 35 तक भी याद है तो भी ठीक है। और परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे आपको पता होना चाहिए 16 2/3 परसेंट 1/6 है, ठीक है। बात को समझ पा रहे हो। सेम इसी तरीके से 37.5 परसेंट 3/8 है, 50 परसेंट 1/2 है, 66 2/3 परसेंट 2/3 है, बात को समझ पा रहे हो। 4.16 परसेंट 1/24 है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जब आपको याद होती है तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेशन की ट्रिक्स, इसके लिए आप 6 बजे वाला सेशन डेली ज्वाइन करिए, जैसे आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट स्ट्रांग हो पाए। बेसिक चैप्टर्स, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एवरेज रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे एग्जाम में 60 से 70% आपको परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो बचता है 30-40% लगभग, अगर 40% भी मान के चलें तो 40% आपका अर्थमेटिक और DI बचता है, ठीक है।
अगर हम अर्थमेटिक की बात करें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, क्योंकि इनके क्वेश्चंस हर बार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, डीआई की बात करें तो जैसे आपका रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट और पजल इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वांट में डीआई और अर्थमेटिक ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे जैसे आपको बताया ना कि यार रीजनिंग में सिलॉग्स है, इनइक्वालिटी है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, इसके क्वेश्चन आने हैं, बट इसके क्वेश्चन बन जाते हैं थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करिए तो। सेम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, अप्रोक्सीमेशन, ये क्वेश्चंस आते हैं 15 से 20 नंबर के आते हैं। जैसे रीजनिंग में जो सिलॉग्स के इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, इसके 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, बट वो बन जाते हैं। सेम यहाँ पे बन जाते हैं, असली जो दिक्कत है जैसे वहाँ पे सिटिंग की और पजल की है, यहाँ पे वो जो दिक्कत है वो आपकी अर्थमेटिक और डीआई की है। तो जितना ज़्यादा आप क्लास में प्रैक्टिस करते रहेंगे, घर पर प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए आसान हो जाएंगी, राइट। तो ये आपका स्टडी प्लान है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी प्लान करते हो और करते हो तो कहीं ना कहीं आप इफेक्टिवली चीज़ों को कर पाओगे और विद इन द टाइम फ्रेम आप कंप्लीट करने के बाद सीधे मॉक टेस्ट पे आ सकते हो। ठीक है, बाकी मेरी दो क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, 1 सुबह 6 बजे क्वांट कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज, और एक दूसरी क्लास है आपकी 9 बजे जिसमें हम लोग ज्यादा फोकस अर्थमेटिक और डीआई पे करते हैं। ठीक है, आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। मिलते हैं क्लासेज में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। Keep imbibing. We believe in you.